भाई दो। क्या बात? मालिक गोली दगी। अच्छा हम कहे हमारे पाई ठीक है, टटोए के देखने घाव पुराने वाला रहा। हाँ सुबह नहीं बोले वो तेरा बड़ा भाई कहाँ है रे? मरी तो आ ही गए, पता नहीं कहाँ भाग गया उसका लड़का। ओ रे भारत। अच्छा तुम कहाँ थे? हम कहाँ थे? जत्ते खाने भैया का औजार है कि हाथ में औजार रिवॉल्वर डरान हम जानते हैं। जत्ते खाने भैया का रिवॉल्वर यही कि हाथ में गवा। फिर हम जान गए ना आज तुम दोनों हो जाने कबूतर हो गए। अच्छा तुम हम सोचे ना हम अपन जान कहे गवाई। बहुत जान प्यारी है लुटाए गए भागे ना भौजी घर में घुस गया। भौजी के वहां हां तुम कहे कहां लुकाई तो भौजी की डहरिया में घुसाई लागे। डहरिया में हां खाली आने डगर आने डगर हाँ आन का मुंह साले कितना है रे? अरे यहो भारी का अनुभव जी इतना और तेरी खोपड़ी खापड़ी तो अति बड़ी रहा। देख रहे हो साले की उल्लू की पट्टे की बात, इतने बड़े आन में इतनी बड़ी खोपड़ी कैसे जाएगी रे? कोशिश कर रहा और जो परता छर्रा चूतर पे तो तब भाग कर हम हो भी चाहे। आज के बाद तुम लोग का शराब पिए तब बत्तीसी तोड़ कर हाथ में दे दूंगा साले। चाहे कहीं जाए नहीं पिए अब नहीं पिए तुम्हें दिन हो जाने जिद करे लगे। अच्छा भौजी कहते आ रहे हैं भौजी तो लाए तो अरे भौजी के वहां की भाषा तुम यहां प्रयोग करोगे तो क्यों नहीं करेंगे भौजी? अब ना पियो आज के बाद तुम दोनों शराब नहीं पियोगे। तुम सत्यनारायण बाबा क्या बोलाओ कथा सुनना हम जानते हैं। अरे अलग कठी गए अरे बोला सुन डारो अरे एक काम करो रे बैठो बेटा शेर से। अरे सत्यनारायण बाबा मिले हैं कहां? शराब पिला चुके हो शराब पिला चुके हो जाओ साले एक सिगरेट डिब्बी लेकर आओ। ओखो समझ ली इन करो का मगावत फालतू बोल जाते हो। कहते हैं जाकर जाओ लेडी चड्ढी ले आओ। आगे लगाए दो देख रहे हो बदतमीजी से अब हम तुमको फूंकना और आग लगाना बता देगा कायदे से बताएंगे। बताओ चाहे लो आग किस चीज में लगाई जाती है? आग लगाई जाती है चिता में या फिर होली? अभी यहाँ हम नहीं पीबा
कहां पे हो? घर जाई बा रोटी खाई भी जाए, रोटी खाएगा पिया बस कर तब मेहरुआ पर हनक जमाई। बहुत सही कहो, जब मेहरुआ पर हनक जनावा जे तो मेहरुओ घर के जिने हमार दुल्हा कुछ हो गए। आओ बड़े भाई, कितनी अच्छी शिक्षा, कितनी अच्छी नसीहत दे रहे हैं। भतीजे को सिगरेट पिला रहे हैं, बराबर बैठा करके शराब पिला रहे हैं। वाह बड़े भैया, ओ नसीहत ये कैसी, और नसीहत ये कैसी सिखाते हो भैया। भैया वाह, बहुत अच्छी नसीहत देते हो। भतीजे को सिगरेट पिला रहे हो, बराबर बिठा करके शराब पिला रहे हो, अरे शर्म नहीं आती आपको? चंपे उल्लू के पट्टे, ये बेटा किसका है रे? आपका है भैया। पर तो होता कौन है सेल्सी के विषय में बोलने वाला? ये बेटा हमारा है। लेकिन हमारा भी तो भतीजा है। भतीजा है, भतीजा है, उल्लू के पट्टे। अरे ये हमारा बेटा है, हमारे मर्जी के खिलाफ ये कदम नहीं उठा सकता, जो हम चाहेंगे वही करेगा। हम शराब पिलाए, गलियों में घुमाए, तुमसे लेना देना क्या है? ठीक है भैया, आज के बाद काश अपने जुबान से हमारे बेटे सेल्सी के विषय में कह दिया तो हलक से जुबान खींच लेंगे। नहीं कहूंगा भैया, अच्छी बात है, आपने उसे सिगरेट पिलाना सिखा दिया है, शराब पिलाना सिखा दिया है, अरे डाका डलवाना सिखा दिया, हमारी बला से हम क्यों कहेंगे? इससे हम डाका डलवाए नहीं तो और क्या है? बच्चा आपका है, लड़का आपका है। अरे उल्लू के पट्टे संभल से, तेरे मुख में बात कहां से समा गई? हम इसे डाका डलवाए? आए बड़ी बात कह दी, आए तूने करार। तूने करा
अहमियत का फूल बचाए, बता रहा हम कहा से जलवाए। भैया गलती हो गई, आज के बाद ऐसे शब्द अपनी जुबान पे नहीं लाएंगे। गलती हो गई, गलती हो गई, और खता माफ कर दो, और खता माफ कर दो ये भैया हमारी, खता माफ कर दो। आज के बाद ऐसे शब्द अपनी जुबान पे कभी नहीं लाऊंगा भैया। अरे तो ऐसे बोल रहे, लेकिन पर एक बात है रे, और खता माफ कर ले। के काबिल नहीं हो, पर हमारे मुकाबिल काबिल नहीं हो। अरे भैया बोले भर आपके मुकाबला, आपका मुकाबला कौन कर सकता है रियासत जमालपुर में। एक बात ये बतलाओ रे, आज 20 साल हो गए हैं हम तुमको अपनी धन दौलत व प्रॉपर्टी से बेदखल कर रखे थे। हाँ भैया, आखिर कौन सा ऐसा काम पड़ गया जो कि अपने कदमों को इस चौपाल में रखे हो, बात क्या है? जरूर बताएंगे भैया। तो सुनो भैया कि आज 20 साल के बाद अगर हम आए हैं आपके दरवाजे के ऊपर तो किस लिए आए हैं, किस मकसद से आए हैं भैया? तो 3000 रुपये की अरे जरूरत पड़ी, इसलिए आया हूँ भैया। हमारे दादाजी ये तुम्हारे लिए 20 रुपए देते हैं, काते 20 ले लो और रुपया जई मांगत है तई देओ, बिल्कुल मिलेंगे। आलो रख ले दादा, पैसा देने से मैं इंकार नहीं हूं, पर ये बताओ समर सिंह 3000 रुपए की आज तेरी कौन सी आवश्यकता पड़ गई जो कि हमारे पास फौरन भागता चला है? भैया जरूरत ऐसी पड़ गई है, आप तो जानते हैं कि आपकी भतीजी चांदनी जो है। भतीजी चांदनी? हाँ, हमारी बेटी आपकी भतीजी चांदनी। अच्छा 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 अच्छा, वो कॉलेज में पढ़ती है और टीचर ने 3000 रुपए की डिमांड की है। अगर भैया 3000 रुपए जमा नहीं होंगे तो वो इंजाम नहीं दे पाएगी, उसका साल बेकार हो जाएगा भैया, उसकी सारी मेहनत। कहने का मतलब तुम्हारी बेटी चांदनी कॉलेज को पढ़ने के लिए जाती है? हाँ भैया, अध्यापक ने 3000 रुपए मांगा है, काश सही समय से नहीं पहुंचेंगे तो कॉलेज में बैठने नहीं पाएगी तुम्हारी लड़की ना। क्या बनाना चाहते हो अपनी बेटी को, क्या बनाना चाहते हो? पुलिस अधीक्षक या चीफ मिनिस्टर या डीएम बनाना चाहते हो?
और रामू यादव, ये दोनों लोग 30 रुपए तुम्हारे लिए देते हैं। मालिक बेईमानी ना करो, रुपया दे। किसकी बेईमानी कर रहे हैं? कौन कहता है किसकी बेईमानी कर रहे हैं? मैं तुम्हारा भाई ना है। भाई है, हम जानते हैं। ऐसा नहीं है, है हम बतलाएंगे, अभी तुमको भी देंगे। भैया एक बात बता रहे, अपनी बेटी को चीफ मिनिस्टर बना देना चाहता है, पुलिस अधीक्षक या डीएम बनाना चाहता है। भैया हर माँ बाप अपनी बच्चों बच्चों को इसीलिए पढ़ाते लिखाते हैं और यही उम्मीद उनसे लगा रखते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके कोई अफसर बनेंगे, समाज में नाम होगा। तो अगर हम भी अपनी बेटी को कुछ बनाना चाहते तो क्या बुरा करते हैं भैया? अरे जाहिल गवार हो, खिली हुई धूप में सितारे देख रहा है, अपनी बेटी को पढ़ा लिखा करके। आगे हमारे भैया ये 10 रुपए मालिक तुमको दे। किस बात के लिए? भाई की बेईमानी फलत नहीं। कह दो चुपचाप अपनी जगह पे खामोश बैठे, रुपया दे दो। अरे नौकर चुपचाप बोल दो, बैठे अपने जगह पे। हाँ ये घर का मामला है, घर के मामले में कोई दूसरा बोलेगा तो जानते हो क्या होता है। हाँ खिली हुई धूप में सितारे देख रहा है, अरे 3000 रुपए का डिमांड करता है। ये हवेली है, हवेली में कोई नोटों का पेन नहीं लगा है, इसी वक्त हिलाएंगे और 3000 रुपए तुम्हें दे देंगे। चुपचाप यहां से दफा हो जाओ। 3000 रुपए की बात करता है, तुझे फूटी कौड़ी यहां मिलने वाली नहीं है। नहीं भैया, गेट आउट, ऐसा मत, निकलो निकलो। अरे भाई ये मत भूलो कि इस हवेली और इस प्रॉपर्टी पे अगर देखा जाए तो मैं बराबर का हिस्सेदार हूँ। कौन कहता है? क्योंकि हम और आप एक ही माँ बाप के संतान हैं और बच्चों का हक होता है उनके माँ बाप की प्रॉपर्टी पे, तो आखिर हमारा क्यों नहीं है, आपका है? बड़ा उल्लू के पट्टे, हमने 20 साल पहले तुझको बेदखल कर रखा था, ना ही तो इस हवेली में तेरा कोई हक है, ना ही तो हमारी जागीर में। चुपचाप यहाँ से दफा होता है, नहीं दफा होता। भैया मैं हक नहीं मांग रहा हूँ, कृपा करके मुझे 3000 रुपए दे दीजिए। नहीं जाओगे, लगता है हमको 5-6 जूते निकालना पड़ेगा। यानी पैसे नहीं दोगे तुम? निकलते हो नहीं तो 3000 रुपया मुझे दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सब्र का बांध भर जाए। अच्छा तुम्हारे जीवन में सैलाब आ जाए अमर सिंह, तो यहाँ पे लड़ने के लिए आए हो, हिस्सा लेने के लिए आए हो? मिलेगा हिस्सा, हिस्सा मिलेगा। आज तुमको हम यहीं पे दफन कर देंगे। मैया चौधरी चाचा की साले मालिक हो सम भैया कहो हो समाई गए रहे नौकरवा, मैं तुम्हारे तेरे ही दसमा बहे होगा। अरे चबे बेटा शेर सिंह बोलो, वाकई में तू बेटा हमारा शेर सिंह नहीं बल्कि शेर है तू शेर। काश मौके वारदात में तुझे होश नहीं आया होता
तो वह झमरा गला दबा के राम नाम सत्य कर देता। ये साला तुम्हारे सीने पर चढ़ करके बैठा हमें अच्छा नहीं लगा। मेरा नाम शेर सिंह है, अपने इस रिवाल्वर से इस किसान की मौत। शेर सिंह गर ये बात है तो आज हम तेरे सामने इस जमलापुर रियासत के अंदर शपथ और सौगंध खाता हूँ, आज से जिस चीज पे तू नजर डाल देगा शेर सिंह, ये ठाकुर अमर सिंह वादा करता है तो लवा स्वर्ग में चीज हो ला करके तेरे कदमों में रख दूंगा। पिताजी मैं जा रहा हूँ और इसकी बॉडी को उठा करके और इसी जगह डलवा देना ताकि साले की चेन कभी नोच नोच के साले के बॉडी को फेंक दो, फेंक दूंगा ताकि इसके बॉडी को पता नहीं लगे। मैं फेंक दूंगा मालिक, फेंक दूंगा। देखो सारे कुर्म चौद के अपने चचक मार डारी से अत्ता सारे की नशा सवार फांसी नाई पैद ने मुड़ो ही साले ने हम काटी ले। चलो कोई दिन चाय बनाई बा चाय में जहर डाल दे। दादाजी ये तुमने मेरे स्वामी को मार के क्या किया? मुझे मेरा स्वाग उजाड़ दिया, मैं किसके सारे जीऊंगी?